जी हुजूर आला, जी हुजूर आला। आज वजीर तालीम दरबार में नहीं है। हुजूर आला, रियाया आप पर बार बार कुर्बान। दरअसल वजीर तालीम की तबीयत नासाज थी, इसलिए आज वो छुट्टी पर है। ठीक है। अदब पर। एक नौजवान शर्त मुलाकात की इजाजत चाहता है। वजीर आला, जी हुजूर आला। ये क्या है, जिसको देखो मुंह उठाए दरबार में चला आता है। दरबार, उस नौजवान से कह दो कि हुजूर आला मसरूफ है दरबार में, आज वो किसी से बात नहीं कर सकते, वापस भेज दो उसे। आलम पना, वो नौजवान बेइंतहा जिद्दी है। वो कह रहा है जब तक मुलाकात नहीं हो जाती वो यहीं बैठा रहेगा, वरना जान दे देगा। लेकिन वो नौजवान जान क्यों दे देगा? हुजूर, ये नौजवान जब तक अमली जिंदगी में कदम नहीं रख लेते इन्हें सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं होता, इसीलिए तो उस वक्त तक जज्बात का मुजाहरा करते रहते हैं और उसके बाद वो सेट हो जाते हैं। बंदा परवर, उस नौजवान को शर्फ़े बारियाबी की इजाजत दी जाए। उसे पेश किया जाए। नौजवान, तुम खामोश क्यों हो? तुम अपना मसला बयान करो। यही तो सोच रहा हूँ, कौन सा मसला बयान करूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैं दरबार से बाहर था तो मुझे रियासत में मसाइल के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, और जब मैं दरबार में आ गया हूँ तो मुझे यूं लगता है कि सब कुछ ठीक है, हर तरफ खुशी है, इत्मीनान है और ऐश ही ऐश है। आप लोग इसी रियासत के वजीर हैं ना, इसी रियासत के जिसकी रियाया बदहाल है, मुफलिस है और परेशान है और इंसाफ की मुतलाशी है। नौजवान, लीडरों की तरह बात मत करो, सिर्फ तुम अपना मसला बयान करो हुजूर आला के सामने। मैं अपना मसला क्या बयान करूं, मेरा मसला तो पूरी रियासत का मसला है। नौजवान, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सरकारी इदारों में जो करप्शन जारी है, क्या आप सब उससे बेखबर है? मिस्टर, क्या कहना चाहते हो तुम? या शायद उन सब इदारों को आपकी सरपरस्ती हासिल है। नौजवान, क्या तुम्हें सरकारी इदारों पर इल्जाम लगे सजा मालूम नहीं? मालूम है मुझे, मालूम है। तो क्या आप सजा के खौफ से हम अपनी जबानें बंद कर लें? वजीर आजम, जी हुजूर आला, जी हुजूर आला। हमें तो बताया गया था कि हमारे सरकारी इदारों की कारकर्दगी से रियाया खुश और मुतमईन है। रियाया आप पर बार बार कुर्बान। हुजूर आला, हमारे सरकारी इदारों की कारकर्दगी तो मिसाली है, मिसाली। बंदा परवर, जिन महदूद वसाइल में हम काम कर रहे हैं इसके लिए तो हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुजूर वाला, आपके बुजुर्ग आपसे झूठ बोलते हैं, आपको अंधेरे में रखते हैं और असल हकाइक आपको नहीं बताते। आइंदा हम खुद जायजा लेंगे। ए नौजवान, तुम हमें बताओ कि तुमने हमारे इदारों में क्या क्या करप्शन देखा? आपको पेश किया जाए।
चले जाओ और इसका सर तलब कर दो। हुजूर वाला, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? मुझे मेरा जुर्म बताया जाए। जो कुछ तुमने सरकारी अदारों के बारे में बताया, क्या ये जुर्म कम है? तुमने सरकारी अदारों के बारे में बताकर उसके राज अफशा किए हैं, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ले जाओ इसे। क्या फैसला किया है हुजूर आला ने? क्या फैसला किया है?